हेलो गाइस, और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर। और हमारे ग्रामर में है, ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं, आपने टाइटल तो जैसे पढ़ किया होगा, और वो है सफिक्स। तो हम सफिक्स के अंदर सबसे पहले हम आराम आराम से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बोल देते हैं एबल में, ठीक है। याद रखें, अ सफिक इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड। द सफिक्स एबल इज समटाइम्स एडेड टू अ नाउन और अ वर्ब टू मेक इट एन एडजेक्टिव। सफिक्स जब भी हम यूज़ करते हैं, वो हम सफिक्स की मीनिंग होती है दो लफ्ज़ों को कंबाइन करना, ठीक है। कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन जब हम किसी भी उनको कर लेते हैं, सफिक्स के साथ हम एबल को कंबाइन करते हैं। सफिक्स के साथ हम बाकी बहुत से लफ्ज़ों को कंबाइन करते हैं, लेकिन अभी हम जो है वो एबल में कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम जो होते हैं, इससे हर सफिक्स को हम आखिर में यूज़ करते हैं। सफिक्स जैसे कि एक एबल है, वो वर्ड सफिक्स निकल आएगा। एबल जो है वो एक सफिक्स है, किसी वर्ड के एंड में यूज़ हो रहा है, और वो नाउन और वर्ब के साथ यूज़ होता है ताकि एक एडजेक्टिव बन पाए कभी कभार। जैसे कि हमारे पास है एक, फॉर एग्जांपल, कंफर्ट। कंफर्ट एक वर्ड है, आई एम कंफर्ट विद दिस प्लेस। मैं खुश, मतलब कि मैं कंफर्टेबल हूँ इस जगह पर। आई एम कंफर्ट इन दिस प्लेस, आई एम कंफर्ट, ठीक है, एक वर्ड है। एबल भी एक वर्ड है, कुछ करना, एबल की मीनिंग ये होती है कुछ कर सकता है बंदा। लेकिन जब हमने इन पूरे लव को मिलाया तो ये बन गया कंफर्टेबल, ये बन गया कंफर्टेबल। अब अच्छा, अब हमने ऐसे कर दिया ग्रामर में, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। हमारे पास ऐसे में बहुत सी ये वो देती हूँ, जैसे कि मुझे लिखने में थोड़ा टाइम पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे कि डिपेंड बल इज इक्वल्स टू एड जस्ट प्लस एबल इज इक्वल्स टू एक्साइट प्लस एबल इज इक्वल्स टू एडोर प्लस एबल इज इक्वल्स टू। ये एक्सरसाइज करें आप सारे, इसमें थोड़ा सा टाइम देनी, पॉज करें। अरे पॉज तो कर लें भाई, कर रहे हैं। ओके डन। डिपेंड है तो हम इधर लिख देंगे डिपेंड, सॉरी गाइस मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो रही है, पर मैंने एक हाथ संभाल पकड़ा है तो इससे जैसे हो रही है। डिपेंडेबल एड जस्ट, मैं पेज को पकड़ के क्योंकि लिखती हूँ ना, इस वजह से एडजस्टेबल एक्साइटेबल एडोरेबल। आपको पता है सफिक्स जब भी हमने सफिक्स यूज़ करा सब में, लेकिन हमने हर वर्ड के आखिर में यूज़ करा सफिक्स, हमने एबल कंफर्ट ऐसे यूज़ नहीं करा। ये बात हमेशा याद करेगा रखेगा। और जब भी हम सफिक्स एबल यूज़ करते हैं तो फिर हम जो होते हैं ना, वो वर्ड चेंज नहीं हो जाता है। जैसे एडोरेबल है तो एडोर और एबल दोनों की स्पेलिंग लिखी जाएगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि मैंने लिख दिया एडोर, आर को छोड़ दिया, ए बी एल ई, चेंज नहीं होता। ई है तो एडोरेबल, एडोरेबल, ये याद रखेगा। जैसे प्रिवेंटेबल, कंफर्टेबल, अवॉइडेबल, ठीक है,
ऐसा होता है सारे के सारे। अब मुझे जल्दी से कोई लिख के दिखाए ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कंफर्ट भी आता हो और कंफर्टेबल भी आ रहा हो, जिसके अंदर डिपेंड भी आ रहा होता है, डिपेंडेबल आ रहा हो। इन 1, 2, 3, 4, 5 रफ कॉपी लेकर बैठेगा। 5 में से कोई भी एक ऐसा वर्ड चूज़ कर लें आप, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी है, टिक लगा लें अपनी कॉपी पर और फिर उसके हिसाब से ना कोई सेंटेंस लिखे जिसके अंदर दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, चाहे वो दो सेंटेंस लेना लेकिन एक साथ जुड़े हुए लगे। जल्दी पॉज करें, पॉज। ओके, टाइम्स अप योर, मैं बोला था पॉज करने के लिए। ओके, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है आई, मैंने कंफर्टेबल यूज़ करा क्योंकि सबसे पहले है ना, आई इंजॉय द कंफर्ट। जिन्होंने अभी नहीं लिखा है ना, वो कंफर्टेबल का डाका खो किसी और का एक बार बनाए और देख ले मैंने कैसे बनाए, कैसे बोल रही हूँ। ऑफ माय होम, ओके, माय होम, जैसे फिर लिखना है बिकॉज माय होम इज सो कंफर्टेबल। अच्छा, अब हमने दो वर्ड्स को जॉइंट कर दिया, ठीक है। मैं एक अच्छी सी आपको तस्वीर दिखाने वाली हूँ, आप देखकर बहुत हंसेंगे नहीं, मतलब कि आपको सही से समझ आ जाएगा दो लफ्ज़ को हम कैसे ऐड करते हैं अगर कोई बच्चा देख रहा हो। जैसे कि ये मैंने बनाई हुई थी, मेरे पास जब मैं छोटी थी मैंने एक बुक पढ़ी थी तो उसके अंदर था, तो ये मेरी पुरानी बुक है, कंफर्टेबल एबल, कंफर्ट ये कंफर्ट है और ये एबल है, मिल गए क्या बन गए कंफर्टेबल। ओके, अच्छा, कुछ मेन चीज़ें जो मैं आपको बताने जाती हूँ, जैसे आपका पेपर हो या फिर टेस्ट हो उसके अंदर क्या आएगा, आपके पास सफिक्स बहुत ढेर सारे होंगे। जैसे ये कोई वर्ड है कंफर्टेबल लिखा हुआ है तो आपसे बोलेंगे कि इसके अंदर जैसे कोई सेंटेंस ही मेरा सेंटेंस समझे, बिकॉज माय होम इज़ सो कंफर्टेबल, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर सफिक्स ढूंढ के दिखाएं, अंडरलाइन करें तो एबल को अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको एक्सरसाइज दूँगी, मैं एक्सरसाइजेस दे रही हूँ आपको, ठीक है, और उन सबको करना, एक्सरसाइजेस को भी मैं दे रही हूँ। ये देखिए, आई एम एक्साइटेड फॉर माई रिज़ल्ट। अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंस जो है वो गलत है, सॉरी आप लोग को नज़र नहीं आ रहा, हाँ ये सेंटेंस जो है वो गलत है, आप इसे सही करके लिखना है, आई एम एक्साइटेड फॉर माई रिज़ल्ट। जब भी आपको कोई भी नहीं आ रहा हो ना सेंटेंस, आपको क्या करना है, उसे बारी बारी पढ़ना है। मैं आपको वे भी बता रही हूँ वीडियो में, प्लस ये भी लिखा होगा कि हाउ क्वेश्चन को कैसे समझना है। अगर आपको नहीं आ रहा ना, ये बार बार ही पढ़ें, आई एम एक्साइट फॉर माय रिज़ल्ट, आई एम एक्साइट फॉर माय रिज़ल्ट, आई एम एक्साइट फॉर माय रिज़ल्ट, आपको लगेगा कि इसका ना कुछ गलत है, आप बोलेंगे ओ एक्साइट गलत है। तो और हम क्या पढ़ रहे हैं, सफिक्स, तो सफिक्स हमारे पास है, हम जो पढ़ रहे हैं वो है एबल, आई एम एक्साइट फॉर माय रिज़ल्ट, आई एम एक्साइटेबल फॉर माय रिज़ल्ट, आई एम, और भी सफिक्स ला के चेक कर लें। एक्साइटेबल आपको हो रहा है सफिक्स, आप इसको लिख देंगे एक्साइटेबल, आई एम एक्साइटेबल, ठीक है, हो गया सन। फॉर एग्जांपल एक ही कॉल, ओके, तो इधर आपके पास जो है वो वर्ड है और आपको सफिक्स जो है वो जॉइन करके लिखना है, जैसे कि वर्ड है प्रिवेंट सॉल्व, मैंने अभी तक आपको नहीं दिया ये वर्ड, जॉइन करें और कमिट करें, ठीक है, जो बन रहा है, और वर्ड्स देती हूँ मैं, ठीक है, और बस ये आखिरी है अवार्ड, अवार्ड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल।